हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, फाइनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लास्ट वीडियो है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है अब 9.5 एक्सरसाइज का। 9.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एक आइडेंटिटी स्पेसिफाई करी हुई है, और इसी के थ्रू हमें इसका वो निकालना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो इसमें भी हमें आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन से पहले, या रीजन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप लोग दे सकते हो, बट कुछ मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही मेंशन है कि कौन सी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और उसी से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, सो फाइनली खत्म हो जाएगा आज चैप्टर हमारा। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल मल्टीप्लाई एक्स से एंड ए और बी। तो देखो फर्स्ट, अब हमें देखो इस आइडेंटिटी में ना एक खासियत ये भी है कि हमें इसको ब्रेक करना आना चाहिए, अगर हमें ब्रेक करके नहीं मिली है तो ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें हम कैसे ब्रेक करेंगे कि मतलब हमारा जो एक नंबर है वो सेम हो दोनों में, एज एक्स वो वर्क करे, और एक एक नंबर डिफरेंट होना चाहिए जैसे कि वो ए और बी के साथ वर्क करे। ठीक है, अब तो कैसे होगा, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100+3 और 100+4 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो कि हम आइडेंटिटी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, पहले हम नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले हमें दो नंबर से दे रखा था। देखो हो सकता था कि हम इसको 90 लेके भी कर सकते थे, हो सकता था 110 से भी कर सकते हैं, 105 लेके भी कर सकते थे, बट हमने 100 लिया। क्यों? क्योंकि 100 से जो कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है। अगर आप कोई भी चीज, जैसे कि आपको 4 मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, बट अगर आपको 4 मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो टाइम बचाने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि या तो 100 वाला डिजिट लें, या 10 वाला डिजिट लें, या फिर 1000 वाला डिजिट लें। ठीक है, तो अब देखो हमने यहाँ पे 100 ले लिया। अब ये 100 कैसे वर्क कर रहा है कि ये एक्स है, 3 ए का काम कर रहा है और ये जो 4 है वो बी का काम कर रहा है। तो आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होती है, एक्स का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में मतलब कि 3+4 और ब्रैकेट में 100 मतलब कि एक्स प्लस 3×4 मतलब कि ए इंटू बी। तो अब हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर ली, अब हमें नॉर्मली इसको बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करना है, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो अब हमें इससे सॉल्व करना है, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 7×100 प्लस 3×4 = 12, सो 10,000 प्लस 700 प्लस 12, तो 10,712 इज द आंसर। देखो है ये भी इजी, बट बस किस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज एज अ एक्स ले रहे हो और आपको क्वेश्चन ब्रेक करना आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 5.1 और 5.2। अब ऐसा भी नहीं है कि 5 वाला क्वेश्चन है तब भी आप लोग 10 लेना प्रेफर करो, इसका जो राउंड ऑफ वैल्यू है वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 हम इसको एक्स लेंगे, 5+0.1 और 5+0.2, तो ये जो 5 है वो एज अ एक्स वर्क कर रहा है, 0.1 एज अ ए एंड 0.2 एज अ बी वर्क कर रहा है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करो, 5 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.2 ब्रैकेट में 5 से मल्टीप्लाई एंड 0.1×0.2 25, 5 का स्क्वायर अब हम इसे ऐड करेंगे तो 0.3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो,
देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी टू, बट दो दो डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में हम वन डेसिमल इंटू वन डेसिमल कर रहे हैं, तो 0.02 प्लस 1.5. अब 1.5 क्यों आया? देखो जब हम 0.3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आंसर आएगा, बट एक डेसिमल प्लेस है यहाँ पे सिर्फ, तो इस वजह से एक डेसिमल एक प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे. तो अब किसी को अगर डेसिमल अप्लाई करना नहीं भी आता है तो आई होप उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. 25 प्लस, अब देखो बहुत बच्चे डेसिमल को प्लस करने में भी मिस्टेक करते हैं, तो कैसे करते हैं? 1.5 और 0.02 ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, 1.52 तो 26 प्लस 52 इज द आंसर. ये जो चीजें हैं वो रफ वर्क में करना, ये एग्जाम में आंसर में करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट. अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे हम प्लस माइनस दोनों करते हैं, किससे? एक्स में से. अब हम यहाँ पे एक्स क्या लेंगे, 103 और 98 दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स होगा 100, 100 प्लस 3 और 100 माइनस 2. ठीक है, अब यहाँ पे b क्या है, b है पूरा माइनस 2 और a है 3. आइडेंटिटी को अप्लाई करो, 100 का स्क्वायर प्लस 3 ऐसे और इंटू 100 प्लस 3 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10,000. अब हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 इंटू 100 प्लस माइनस 6 आएगा आंसर. देखो स्टूडेंट्स ब्रैकेट जो होते हैं अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब देखो जैसे कि हम एक एक ब्रैकेट ओपन करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कोई बच्चा सोचे कि उसको डायरेक्ट करना है, वो नहीं चाहता कि वो ब्रैकेट अप्लाई करे, तो वो कर सकता है अगर उसका मैथ ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी है. बट अगर नहीं है तो प्लीज यूज ब्रैकेट. और मैं तो वैसे भी ब्रैकेट यूज करना बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैथ्स में यूजुअली मैं भी टॉपर रहती थी, बट स्टिल मैं 11th 12th में भी ब्रैकेट यूज करना बहुत ज्यादा प्रेफर करती थी. आप लोग अगर अभी से हैबिट डाल लोगे तो 11th 12th में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको बहुत ज्यादा ब्रैकेट यूज करने की नीड पड़ती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सो ठीक है, ये हो गया. तो 10,000, अब ये 1 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस होएगा तो प्लस 100 एंड माइनस 6, सो 10,000 प्लस 94, सो 10,094 इज द आंसर. आई होप स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आप लोगों को ब्रेक करना भी आ रहा है. अब देखो यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है वो है 9.7 और 9.8, तो यहाँ पे जो x होगा वो हम क्या लेंगे, इसका राउंड ऑफ करके क्या 10 ले लेंगे. ठीक है, 10 में से माइनस करेंगे 0.3 और 10 में से माइनस करेंगे 0.2. सो यहाँ पे x क्या है, 10 है, a क्या है माइनस 0.3 और b क्या है माइनस 0.2. जिस भी क्वेश्चन में माइनस है वहां पे a जो होगा वो माइनस के साथ काउंट होगा. ठीक है, और जब b होगा वो भी माइनस के साथ ही काउंट होगा. नाउ आइडेंटिटी अप्लाई करो, x का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0.3 प्लस माइनस 0.2 और यहाँ पे 10 प्लस माइनस 0.3 माइनस 0.2. तो अभी जो माइनस माइनस चलो छोड़ो, अभी यहां से सॉल्व करते हुए आते हैं. 10 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस 0.03 माइनस माइनस 0.3 और माइनस 0.2, 10 से मल्टीप्लाई. अब प्लस
यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो माइनस माइनस होगा वो तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब जो हम 0.3 को और जो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 6, बट ये जब डेसिमल प्लेस से डेसिमल प्लेस भी मल्टीप्लाई होगी तो वो एक डेसिमल प्लेस की जगह दो डेसिमल पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.6 के बाद ना लग के ऐसे लगेगा क्योंकि अब वो दो डेसिमल प्लेस तक शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो 0.06 हंड्रेड प्लस माइनस 0.5 10 से मल्टीप्लाई 0.06 हंड्रेड। अब देखो डायरेक्टली यहां पे माइनस का साइन लगा के हम 5 लिख देंगे एंड 0.06 इसमें से 5 माइनस करो 95 प्लस 0.06 सो 95.06, ठीक है। ये समझ में आया ये स्टेप कैसे करा है, तो माइनस माइनस बट ऐड होगा और साइन जो होगा वो माइनस का आएगा। सो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी आइडेंटिटी को अप्लाई करने में। हमने कितनी आइडेंटिटी पढ़ी है, 4 आइडेंटिटी पढ़ी है, जिसमें से हमने सिंप्लीफाई करना सीखा, शो करना सीखा LHS इक्वल्स टू RHS, हमने एक एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी सीखी, आइडेंटिटी के हिसाब से ब्रेक करना सीखा, सब कुछ हमने सीख लिया है, ठीक है। तो अगर अभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और मैं आप लोगों का डाउट जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। बट अब डाउट आएगा नहीं क्योंकि मैंने बहुत ही इजीली ये सब कुछ समझाया है और बहुत ही अच्छे से। ये जो है कैलकुलेशन मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करती हूँ क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आती कि भाई कैसे हुई है कैलकुलेशन और आंसर कैसे आया है, ठीक है। तो आई थिंक इट विल गिव यू बेनिफिट, सो अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।